भाई हमने कर लिया है कवर सनसेट पॉइंट, और कल जो है यहाँ तक ही किया था मैंने, आज चलते हैं इससे आगे, जहाँ तक चला जाएगा वहाँ तक चलेंगे, आपको दिखाएंगे बाकी नेचर प्रकृति ने कसौली को माला माल कर रखा है जी भर के दिया। इससे आगे जो है, इससे पहले जो है देख सकते हैं भाई, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह, इनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये 18 स्क्वाडन इंडो पाक 1971 में इनको भी जो है परमवीर चक्र मिला था। इससे आगे चलते हैं, तो यदि आप यहाँ थक जाते हैं तो सनसेट पॉइंट पर भी बेंचेस हैं और इससे आगे भी बेंचेस हैं, तो आप जो है यहाँ पर आराम करके भाई सुबह या शाम को अगर कोई यहाँ पे ना हो तो आधा एक घंटा यहाँ बैठने का अपना ही मजा आया। अभी तो दोपहर का टाइम होने वाला, समय कितना होगा अभी? अभी 10:50 हुए हैं, लगभग 11 बजे हैं, तो भी यहाँ घूमने का एक अलग ही मजा है। सुबह तो भाई अगर आप बिना जैकेट के यहाँ आएंगे तो चल नहीं पाएंगे, तो आप दिन में जिस टाइम भी आपका दिल करे इस ट्रैक पे बस खा पी के निकल लो, खाना पीना भी हजम और घुमाई तो है ही है, तो इसमें जो है डबल मजा है। एक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एक आप नेचर के लवर तो हो ही, अगर आप यहाँ पे आ रखे हो तो भाई ट्रैक जो है बड़ा मस्त लगा मुझे। ये सनसेट पॉइंट से आगे तरफ चलो, कच्चे में भी उतर जाओ, ये भाई परमवीर चक्र विजेता श्रीमान मेजर, क्या है नाम इनका, राम आवास आवास में, सॉरी मैं नाम को गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, इसके लिए रामा स्वामी परमेश्वरम, ठीक है रामास्वामी परमेश्वरम, प्रवेश परमेश्वरन शरण में भाई मैं है ना, इसकी जो है नाम अपने आप ही पढ़ लियो यार, मैंने दिखा दिया है। हाँ अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ तो फिर मैं उनके, यानी ये एक तरह से इंसल्ट ही होगी भाई अगर मुझे पढ़ना नहीं आ रहा तो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं इसको म्यूट कर दूंगा, टेंशन ना लो। तो ये आगे ये क्या है, तो वो कल बच्चे जो कह रहे थे वो घर को देख के कि घर तो ऐसा होना चाहिए, तो मैं भी आज यही कह रहा हूँ भाई, एक घर तो इस ट्रैक पे होना ही चाहिए। अगर ये भारत सरकार का गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये शायद जो है चोपड़ा का टावर, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी भाई, इस तरफ क्या है देखो, चलते हैं इससे आगे ट्रैक पे। यहाँ पे शायद वही गाड़ियाँ अलाउड हैं जिनकी अपनी यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। ये देखिए HP की गाड़ी थी, नायक सूबेदार बैना सिंह परमवीर चक्र विजेता, इनको जो है ये रेजिमेंट थे जैक लाइट इन्फेंट्री के, तो 23 जून 1987 को सियाचिन में ये जो है शहीद हो गए थे और इनको परमवीर चक्र मिला था। तो चलिए इससे आगे चलते हैं, एक गार्डन है, ये भी वाइट प्राइवेट प्रॉपर्टी है लेकिन जबरदस्त है। पेड़ों पे नए पत्ते आ चुके हैं, पतझड़ जा चुका है क्योंकि तो अप्रैल है, तो ऐसा लग रहा है जैसे नए उसमें
नए अवतार में आए हैं ये। क्या बात है भाई, मजा आ गया यहाँ घूमने का, तो आप लोग भी यहाँ जरूर आइएगा। भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ बाहर दारू पीना मना है, और ऐसा ये कैंट का इलाका है, तो अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो 2500 रुपए का चलान भी है। चलिए ऊपर की तरफ देखते हैं क्या है। ऊपर घूमने का है सब कुछ। ओके थैंक यू। व्यू पॉइंट है ऊपर की तरफ, जो साहिबान अभी गए थे उन्होंने हमें बताया। तो क्या है बेटा ऊपर? अच्छा सुसाइड पॉइंट और लवर पॉइंट। तो चलिए भाई वो आप डिसाइड कर लेना कि आपको लव करना है या सुसाइड। भाई मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मत करियो। बस पॉइंट को देखो और प्रकृति का मजा लो। कि उन्होंने नाम तो रख दिया सुसाइड पॉइंट, लेकिन कोई करना मत भाई। ये भी मेरी तरह कोई भाई ब्लॉगर लग रहा है तो वीडियो बनाता हुआ जा रहा है। लो जी सरकार, ये BSNL का है ऊपर और वहाँ पे बैन है जाना, और अब आ गए हम कच्चे रास्ते पे। भाई जहाँ भी चढ़ाई शुरू होती है वहाँ एक बार तो ऐसा लगता है कि सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह रही है। अरे अरे, लेकिन ये मानना पड़ेगा भाई कि यहाँ पे वाओ व्यू गजब का है। बेटा ये आगे जो आप सुसाइड पॉइंट बता रहे थे वो कितना आगे है? 300 मीटर आगे बता रहे हैं, और टूरिस्ट भी काफी उधर से आ रहे हैं और हम उधर जा रहे हैं। तो चलते रहिए और देखते रहिए और प्रकृति के नजारे मेरे साथ, यानी वीरेंद्र डबास द ट्रैवल देसी के साथ। और भाई अगर प्रकृति के नज़ारे अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और ना अच्छे लगे तो जिसने सब्सक्राइब कर रखा वो अनसब्सक्राइब कर दियो, बाकी चॉइस इज योर्स। हाँ मुझे भी चाहिए बढ़िया के बाद। हाँ कौन सा कलर लेना? मैं ब्लू लूँगी। भाई वाह क्या कच्चा रास्ता है। वाह इस पहाड़ की चोटी पे BSNL वालों ने अपना कम्युनिकेशन सेंटर बना रखा है, और हम जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट की तरफ, जो कि उस रोड से जो सनसेट पॉइंट था उससे आगे सीधे जब आते हैं हम, तो राइट साइड को वहां पे आपको दिखाई देगा BSNL का संचार निगम जो पहाड़ी पे है, और उसके साइड से ही बिल्कुल राइट को ऊपर रास्ता चढ़ रहा है लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट का। तो भाई ये दोनों एक ही पहलू के दो, एक सिक्के के दो पहलू हैं, सुसाइड